नंबर वन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप देखो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट क्योंथिरे गठित ऑप्शन ए कॉपर ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑप्शन सी लेड ऑप्शन डी टंगस्टन तो राइट आंसर टी कौन है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट क्योंथिरे गठित समस्ते जानिथिबे जे इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट टंगस्टन रे गठित तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप टंगस्टन ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर टू ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर देखो ब्रास बा पीतलटा जेतेबेले एयर बा वायुर कांटेक्ट रे आसे तार रंग फाकी जायथाय तो वायु रे केउ गैस थिबारु जेतेले पीतलटा वायुर कांटेक्ट रे आसे तार रंग फाकी जाय ऑप्शन ए ऑक्सीजन ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी नाइट्रोजन तो राइट आंसर टी कौन है देखो वायु रे हाइड्रोजन सल्फाइड थिबारु जेतेले पीतलटा वायुर कांटेक्ट रे आसे तार रंग फाकी जाए तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर थ्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर देखो एगुड़िक मध्य क्योंटी गोटे नॉन मेटल जहाँ कि रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म रे थाए बा तरल अवस्था रे थाए ऑप्शन ए फॉस्फोरस ऑप्शन बी ब्रोमीन ऑप्शन सी क्लोरीन ऑप्शन डी हीलियम तो राइट आंसर टी कौन है देखो ब्रोमीन हूँ गोटे एमतिका नॉन मेटल जहाँ कि रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म रे थाए तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर एवं ब्रोमीन सिंबल बा संकेत टी कौन ब्रोमीन संकेत हूँ बी आर एवं यार एटॉमिक नंबर हूँ 35 मन रखु ब्रोमीन सिंबल हूँ बी आर एवं एटॉमिक नंबर हूँ 35 तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर फोर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल एगुड़िक मध्यरु केउटी पेंसिल रे व्यवहार करा जाए ऑप्शन ए ग्राफाइट ऑप्शन बी सिलिकॉन ऑप्शन सी चारकोल ऑप्शन डी फॉस्फोरस तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य केउटी पेंसिल रे व्यवहार करा जाए ना ग्राफाइट को पेंसिल रे व्यवहार करा जाए था तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर ग्राफाइट नंबर फाइव केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज देखो वाटर बा जल पई केमिकल फॉर्मूला टी केउटी ऑप्शन ए Al2O3 ऑप्शन बी H2O ऑप्शन सी CaSiO3 ऑप्शन डी नन ऑफ दिज तो राइट आंसर टी कौन है वाटर बा जल पई केमिकल फॉर्मूला बा रासायनिक संकेत टी कौन समस्ते जानते जे जल पई रासायनिक संकेत हूँ H2O तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर मन रखु वाटर पई केमिकल फॉर्मूला हूँ H2O नंबर सिक्स द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज देखु एगुड़िक मध्य क्यों गैस टी साधारणतः इलेक्ट्रिक बल्ब रे थाए ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी ऑक्सीजन तो राइट आंसर टी कौन है इलेक्ट्रिक बल्ब रे एगुड़िक मध्य क्यों गैस टी थाए तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस टी साधारणतः इलेक्ट्रिक बल्ब रे थाए तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर सेवेन वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर देखु एगुड़िक मध्य आम केउटी को वाशिंग सोडा बोली कही था ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य आम केउटी को वाशिंग सोडा बोली कही था तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट को आम वाशिंग सोडा बोली कही था ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर एट व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस देखो एगुड़िक मध्य केउटी गोटे ग्रीन हाउस गैस नुह ऑप्शन ए मिथेन ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी हाइड्रोजन तो राइट आंसर टी कौन है आपण मैंने जानते जे मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनोटी हूँ गोटे गोटे ग्रीन हाउस गैस किंतु हाइड्रोजन गोटे ग्रीन हाउस गैस नुह तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर तो मन रखु केते गुड़े ग्रीन हाउस गैस जपरी वाटर भेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो ग्रीन हाउस गैस आउ थे देखु वाटर भेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो ग्रीन हाउस गैस किंतु हाइड्रोजन गोटे ग्रीन हाउस गैस नुह तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर नाइन ब्रोमीन इज तो ब्रोमीनटा गोटे कौन ऑप्शन ए ब्लैक सॉलिड ऑप्शन बी रेड लिक्विड ऑप्शन सी कलरलेस गैस ऑप्शन डी हाइली इनफ्लेमेबल गैस तो राइट आंसर टी कौन है ब्रोमीनटा गोटे कौन ना ब्रोमीन हूँ गोटे रेड लिक्विड तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर टेन द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज देखो पृथ्वीर सबुठार कठिन बा हार्डेस्ट सब्सटेंस टी केउटी ऑप्शन ए गोल्ड ऑप्शन बी आयन ऑप्शन सी डायमंड ऑप्शन डी प्लाटिनम तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य केउटी पृथ्वीर सबुठार कठिन सब्सटेंस अटे तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर डायमंड डायमंड हेउची पृथ्वीर सबुठार कठिन सब्सटेंस द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज डायमंड ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर नंबर इलेवेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट
देखो एगुड़िक मध्य क्योंटी को गोटे लुब्रिकेंट भाव में व्यवहार कराए। ऑप्शन ए ग्राफाइट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी डायमंड। तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य क्योंटी को गोटे लुब्रिकेंट भाव में व्यवहार कराए। तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर ग्राफाइट, ग्राफाइट को गोटे लुब्रिकेंट भाव में व्यवहार कराए। ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 12 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। देखंतु एगुड़िक मध्य क्यों काम सिलिकॉन कार्बाइड रो व्यवहार करा जाय थाय। ऑप्शन ए मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, ऑप्शन बी डिसइनफेक्टिंग वाटर ऑफ पॉन्ड्स, ऑप्शन सी कोटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, ऑप्शन डी मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचूज। तो राइट आंसर कौन है एगुड़िक मध्य क्यों काम सिलिकॉन कार्बाइड रो व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर कोटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस। तो वेरी हार्ड सब्सटेंस को कोटिंग बा काटिबा पाई सिलिकॉन कार्बाइड रो व्यवहार करा जाय थाय। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 13 तो एवरेज सालिनिटी ऑफ सी वाटर इज। देखंतु समुद्र पानीर हाराहारी लवणता बा एवरेज सालिनिटी केते। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी 2%। तो राइट आंसर टी कौन है समुद्र पानीर हाराहारी लवणता केते। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर 3.5%। तो एवरेज सालिनिटी ऑफ सी वाटर इज 3.5%। क्लास टी को गोटे लाइक निश्चय करंतु, सांगसाथी मानंक सहित शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं यहार पीडीएफ पाइबा पई डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को क्लिक करी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु। सेठारे आपण माने समस्त क्लास रो पीडीएफ पाई परबी एवं जदि प्रीवियस क्लास गुडी को करी ना हो तो प्लेलिस्ट को जाई के चेक करी प्रथम रु समस्त क्लास गुडी को करी परबी। नेक्स्ट देखंतु नंबर 14 हेवी वाटर इज। तो हेवी वाटर टा कोन? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी पीएच 7, ऑप्शन सी रेन वाटर, ऑप्शन डी ट्रिटियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर कौन है हेवी वाटर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर हेवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 15 द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज। देखो क्यों एलिमेंट समस्त एसिड बा समस्त अम्ल रे थाए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य क्यों एलिमेंट टी समस्त एसिड रे थाए। ऑप्शन ए है राइट आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टा समस्त एसिड रे थाए। हाइड्रोजन इज द कॉमन एलिमेंट इन ऑल एसिड। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 16 कार्बन डायमंड एंड ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। देखो कार्बन डायमंड एवं ग्राफाइट को एकाठी कौन कहा जाए। ऑप्शन ए आइसोमर्स, ऑप्शन बी आइसोटोप्स, ऑप्शन सी एलोट्रोप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर टी कौन है देखो कार्बन डायमंड एवं ग्राफाइट को एलोट्रोप कहा जाए। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर कार्बन डायमंड एंड ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड एलोट्रोप। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 17 पोटासियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन। तो पोटासियम नाइट्रेट को क्यों थिरे व्यवहार करा जाए। ऑप्शन ए मेडिसिन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी सॉल्ट, ऑप्शन डी ग्लास। तो राइट आंसर टी कौन है पोटासियम नाइट्रेट को क्यों थिरे व्यवहार करा जाए ना फर्टिलाइजर रे व्यवहार करा जाए। ऑप्शन बी है राइट आंसर पोटासियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 18 सोडा वाटर कंटेंट्स। तो सोडा वाटर रे कौन थाए। ऑप्शन ए कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस एसिड। तो राइट आंसर टी कौन है सोडा वाटर रे कार्बोनिक एसिड थाए। ऑप्शन ए है राइट आंसर सोडा वाटर कंटेंट्स कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 19 द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। तो एल्युमिनियम रो मोस्ट इंपोर्टेंट ओर बा धातु पत्थर टी केउटी। ऑप्शन ए कालामाइन, ऑप्शन बी कालसाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर टी कौन है एल्युमिनियम रो मोस्ट इंपोर्टेंट ओर है बॉक्साइट। ऑप्शन सी है राइट आंसर द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। एगुड़िक मध्य क्योंटी रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म रे थाए बा तरल अवस्था रे थाए। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फ्रांसियम, ऑप्शन डी सेरियम। तो राइट आंसर टी कौन है एगुड़िक मध्य क्योंटी रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म रे थाए। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर फ्रांसियम। फ्रांसियम टा रूम टेम्परेचर तरल अवस्था रे थाए। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। तो एगुड़िक मध्य क्योंटी गन मेटल रो इनग्रेडिएंट्स अटंती। ऑप्शन ए आयन, जिंक एंड टाइटेनियम, ऑप्शन बी आयन एंड टिन, ऑप्शन सी आयन ब्रास एंड टिन, ऑप्शन डी कॉपर टिन एंड जिंक। तो राइट आंसर टी कौन है तो एगुड़िक मध्य क्योंटी गन मेटल रो इनग्रेडिएंट्स अटंती। तो राइट आंसर टी ऑप्शन डी कॉपर टिन एवं जिंक। कॉपर टिन एवं जिंक होउचंती गन मेटल रो इनग्रेडिएंट्स। तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 22 व्हाट इज लाफिंग गैस। तो एगुड़िक मध्य क्योंटी लाफिंग गैस अटे। ऑप्शन ए
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो राइट आंसर कौन है एगुड़ी मध्य क्योंटी लाफिंग गैस ना नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोली कहा जाए। ऑप्शन ए है राइट आंसर। तो नाइट्रस ऑक्साइड संकेत कौन, नाइट्रस ऑक्साइड संकेत हो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोली कहा जाए। नंबर 23 द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर आर। देखो ट्रांजिस्टर तैयारी करने साधारणतः क्यों दुईट एलिमेंट को व्यवहार करा जाए। ऑप्शन ए बोरन एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऑप्शन सी इरिडियम एंड टंगस्टन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर कौन है ट्रांजिस्टर तैयारी करने साधारणतः क्यों दुईट एलिमेंट को व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम को ट्रांजिस्टर तैयारी करने व्यवहार करा जाए। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 24 डायमंड इज एन एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ। देखो डायमंड गोटे कहार एलोट्रोफिक फॉर्म अटे। ऑप्शन ए जर्मानियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। तो राइट आंसर कौन है डायमंड गोटे कहार एलोट्रोफिक फॉर्म अटे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन। डायमंड इज एन एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 25 व्हिच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी। तो क्यों मेटल गोटे बड़ सहर वायु प्रदूषित करिथाय। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कैडमियम। तो राइट आंसर कौन है क्यों मेटल गोटे बड़ सहर वायु प्रदूषित करिथाय। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर लेड मेटल। लेड मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी। ऑप्शन सी है राइट आंसर। तो ये थिला किछि इम्पोर्टेंट MCQ। क्लास टी गोटे लाइक निश्चय करंतु, सांगसाथी मानक सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करि नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करि रखंतु। कारण आमे जेते बेले भी न्यू वीडियो टी अपलोड करिवु आपनको पाखकु सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंची पारिबो। एवं एहार PDF पाइबा पई डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को क्लिक करि टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु। सेठारे आपन माने समस्त क्लास रो PDF पाइ पारिबे। एवं जदि प्रीवियस क्लास गुडी को करि नहो तो प्लेलिस्ट को जाई के चेक करिकि प्रथम रु समस्त क्लास गुडी को करि पारिबे। धन्यवाद।